गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं अभी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ दिन के 2 बजे से। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी आज मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ से अभी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लेती हूँ। तो दिन का टाइम है, धूप खिली खिली है और हवा चल रहे हैं थोड़ा सा हल्का हल्का, तो ठंडा मौसम हो रखा है आजकल। बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ मौसम आजकल। तो आज मेरी ब्लॉगिंग करने की रीज़न है, तो आप लोगों को यहाँ आजकल चल रखे हैं धान कटाई मड़ाई की सीजन। तो आप लोगों से शेयर करेंगे हम आज कि यहाँ धान कैसे काटते हैं और उसकी मड़ाई कैसी होती है, सारना और उनको पराल होता है, जो पराव बोलते हैं हमारे गांव में, लेकिन यहाँ भी वही बोलते हैं, पराल ही बोलते हैं, पराव बोलते हैं। तो उनको लुट्ठे पे लगाते हैं और बाकी बहुत सारे काम है, बट थोड़ा थोड़ा मैं अभी इतना ज़्यादा एक साथ नहीं दिखाऊंगी, 2 ब्लॉगिंग करूंगी मैं। आज मेरा थोड़ा सा है तो उसी को दिखाऊंगी और फिर नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा मेरा तो उसमें और ज़्यादा दिखाऊंगी थोड़ा सा अच्छे से। तो आजकल क्या है ना कि घर का काम भी हो रहा है और बच्चों के साथ साथ तो सब कुछ करना, फिर कभी आंटी लोगों के साथ चले जाते हैं खेतों में हेल्प के लिए। तो इसी बीच जब जब जैसा टाइम मिला ऐसा इस तरीके से बना लेती हूँ ब्लॉगिंग। तो आज मैं ले चलूँगी आप लोगों को कि धान की खेतों में। तो आज देखते हैं क्या होता है हमारे साथ और आप भी जुड़े रहो हमारे साथ। तो हम आज यहाँ से शेयर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि किस तरीके से भावर का ना जो काम होता है, क्योंकि जोहार का काम तो जैसा होता है वो पहाड़ में होता है, हमको पता है। और जब मैं कभी वहाँ जाऊँ तो वहाँ का दिखाऊँगी मैं आपको। फिर यहाँ का जो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ के काम काज कैसे होते हैं। आजकल असोज लगा है ना, तो सोच कि महीने में कितने ज़्यादा काम होते हैं। तो बने रहेगा आप मेरे ब्लॉग पे, दिखाते हैं हम आपको। दोस्तों हमारे ना पहाड़ में जोहार का काम तो अलग से होता है, वो वहाँ का अलग रीति रिवाज होती है काम करने की। और जो यहाँ का है ना, ये भाबर का, भाबर वाले ऐसे करके काम करते हैं, पहले धान को काटते हैं फिर फैलाते हैं, फिर उसके बाद इसकी ऐसे लेते हैं इसको गट्ठा बांध के फिर सारते हैं। फिर अभी उधर पर लगेगी मशीन। बतख है क्या है बतख की? हाँ, कोई जोटियाल है, कोई जोशी है और कोई चला रहे हैं, हम सब खेतों में काम कर रहे हैं। अच्छा, डोटियाल यहाँ कहाँ होते हैं? धान सार रहे हैं। डोटियाल यहाँ हुए ही नहीं, यहाँ यहाँ सब फुलारा ही हुए हैं, कोई फुलारा है पर यार एक ही हुई, बाकी सब फुलारा उलारा पता है। जोशी भी है ये। हाँ, जोशी फुलारा रुआली रुआली फुलारा, चंदन फुलारा के धान सार रहे हैं। जय आ जाएगा ये सब। हाँ, आज चंदन फुलारा के धान सराई है, कल है
क्या बोलते हैं, कल किसकी धान हराई है, कल परसों को आंटी लोगों की कमला फुलारा कारबार भाबर की। भाबर के कारबार में क्या क्या करना पड़ता है यार आंटी लोगों, बताओ तो। ऐसे करके काम करना पड़ता है यहाँ पहाड़ में, तो कुन्योड़ वोड़ वगैरह डालते हैं तो थुप्पड़ लगा के ऐसे खेत में ही मान लेते हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा होते हैं धान भी, तो तब ऐसे करके। की रोजगार वगैरह यार, के रोजगार नहीं कर रही हूँ, खाली पहुँचाते हैं। गुड़ की कटक, मिश्री की कटक और चाय, मिश्री और चाय पी रहे हैं यहाँ सभी लोग खेत में। कितना अच्छा लगता है जब गांव में ऐसे काम करते हैं तो साथ साथ चाय पीना, भेंट घाट, बातें साथे हैं। आज हम आपको दिखाते हैं धान मनाई कैसे करते हैं यहाँ, और अभी हम धान सार के आए हैं, मुँह भी कैसा हो रहा है बिल्कुल काला काला कल उठा, तो अभी जा रहे हैं दिखाते हैं मशीन किस तरह से लगे है और कैसे उसकी मनाई होती है धान की। धान की मनाई होती है क्योंकि ट्रैक्टर में उसको डाला जाता है, उसी में मशीन फिट करके, तो एक तरफ धान आ जाते हैं और एक तरफ भूसा चली जाता है, एक तरफ से उसको डाला जाता है, तो बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं उस टाइम हेल्प के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में फटाफट होता है, तो इसलिए धान की मनाई फटाफट जल्दी से हो जाती है, क्योंकि जो धान की मशीन लगी है वो उसका ना बहुत ज़्यादा वो भी आता है, बिल भी आ जाता है, क्योंकि जैसे पैसों का होता है ना तो 1200 रुपये घंटे होते, तो इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा जितने फास्ट कर सको तो उतने ज़्यादा कम पैसे होंगे, अगर फटाफट करो तो कम पैसे हैं, लेट करो तो ज़्यादा लग जाते हैं, तो इसके वजह से फटाफट चाहिए लोग, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, तो हम भी चले जाते हैं थोड़ी बहुत मदद के लिए, तो आजकल जा रहे हैं हम भी खेतों में, तो थकान वगैरह भी लगी रही है क्योंकि बैठे बैठे आजकल हमारी भी अंतरी का काम होता है, लोग खेतों का नहीं होता, जैसे हमारा जाना नहीं होता खेतों में, तो कभी आंटी लोग भी सारे जाते हैं हेल्प के लिए चले जाते, तो अचानक काम करो कभी तो बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है, तो थोड़ी सी थकान मेरे को ही हो रखी है, तो काली कल उठी हो रखी हो, कोई बात नहीं हो जाएंगे सही। तो आज मैंने बताई आपको यहाँ के काम धान ऐसे करते हैं करके, तो आज के ब्लॉग यहीं पर एंड कर रहे हैं, फिर मिलते हैं कुछ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।